हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गठिया सेव की सब्जी। इसके लिए मैंने ली है गठिया सेव, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी, काली मिर्च, अदरक लहसुन, हरा धनिया और हरा पुदीना, चाट मसाला। यहाँ पे लिया है मैंने नारियल, जो हमने टुकड़ों में इसे काट दिया है, दो टमाटर और दो प्याज काट के लिए है। अब हम पहले इसकी ग्रेवी बनाएंगे। पहले पैन गरम कर दिया है, पैन में डालेंगे नारियल। हम अच्छी से नारियल को भून लेंगे। नारियल को भुनने के लिए हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे इसमें। ये देखिए, हमारा नारियल अच्छे से भुन रहा है। अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ प्याज। प्याज और नारियल को अच्छे से हम भून लेंगे। ये देखिए, यह अब अच्छे से हो चुका है। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे। हम इसमें डालेंगे लहसुन और अदरक और टमाटर। हम इन सब की अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। देखिए, मैंने ये टमाटर, प्याज और नारियल की पेस्ट बना ली है। अब हम डालेंगे पैन में तेल। मैंने पैन में तेल डाल दिया है। आप तेल गर्म हुआ है या नहीं यह देखने के लिए हम उसमें डालेंगे थोड़ी सी राई और जीरा। देखिए, तेल गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे बनाया हुआ पेस्ट, यानी कि ग्रेवी पेस्ट। अब हम इसको अच्छे से हिलाएंगे। अब हम ग्रेवी के ऊपर थोड़ा सा ढाप देंगे। इसको अच्छे से तेल नहीं छूटता तब तक हम इसे ढाप कर रखेंगे। हमारी ग्रेवी को पक गई है या नहीं, ये देखिए, ग्रेवी को अच्छे से खिलाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच लाल मिर्च, धनिया पाउडर, अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला एक चम्मच, काली मिर्च
एक से डेढ़ चम्मच और एक पिंच चाट मसाला, एक से दो पिंच और कस्तूरी मेथी डालेंगे इसमें। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ग्रेवी को अच्छे से मिक्स करेंगे पहले। अब हम इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। अब हम इसमें डालेंगे हल्का सा थोड़ा सा पानी। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये बन गई हमारी गठिया सेव की ग्रेवी। अब हम फ्लेम को कम करके इसको 5 मिनट तक के लिए पकने देंगे। ऐसे ही ढक के पकने देंगे। हमारी सब्जी अच्छे से पक रही है। हम इसे और थोड़ा सा पकाएंगे, जब तक इसको तेल ना छूटे तब तक हम इसको पकाएंगे। आपको ये गठिया सेव कहीं पर भी मिल जाएगी, स्वीट मार्ट में मिल जाएगी, नहीं तो आप बालाजी की यूज़ कर सकते हैं। देखिए लग रही है ना होटल की तरह सेव गठिया सब्जी। अब हम इसको एक प्लेट में सर्व करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, कटा हुआ हरा धनिया थोड़ा सा डाल दिया है मैंने। देखिए अब हम फ्लेम को कम कर देते हैं। अब हम एक प्लेट में गठिया सेव डाल देंगे। देखिए ये मैंने गठिया सेव डाल दी है। अब इस पर हम डालेंगे ये बनाई हुई हमारी ग्रेवी। देखिए ये है हमारी गठिया सेव की सब्जी। अब हम इस पर डालेंगे हरा धनिया और ये हरा पुदीना। रेडी हो गई हमारी गठिया सेव। आप इसको गेहूँ की रोटी या ज्वार की रोटी से भी खा सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि कैसी बनी है ये रेसिपी।